अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। योगी राज में अपराधी हुए बेलगाम, जौनपुर में पिता पुत्र को मारी सरेराह गोली, बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, गोरखपुर में युवती को अगवा कर भागे आरोपी, कानून का इकबाल खत्म और पुलिस का डर भी नहीं, अपराधी जमकर दे रहे अपराध को अंजाम। उत्तर प्रदेश को लेकर जंगल राज की टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त की थी वो हकीकत में तब्दील होती दिख रही है। योगी राज में अपराध का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है, साथ ही अपराधियों के मन से कानून का इकबाल और पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। हालात ये है कि दिन दहाड़े किसी को गोली मार कर मौत का तोहफा दिया जा रहा है तो कहीं से अपराधी युवती को कार में अगवा कर फरार हो जाते हैं। अपराध के दो ऐसे ही संगीन मामले आज सामने आने के बाद सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा। पहला मामला जौनपुर से सामने आया जहां मामूली विवाद में पिता पुत्र को खुलेआम गोली मार दी गई, जिससे घायल पुत्र की मौत हो गई और पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मामले पर सपा ने ट्वीट किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा के ट्वीट में लिखा गया कि जौनपुर में सामने आया सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा पिता पुत्र के एनकाउंटर का वीडियो स्तब्ध करता है। बेटे की हत्या, पिता गंभीर रूप से घायल, अत्यंत दुखद। शोकाकुल परिजनों के प्रति गहन संवेदना। हत्यारों को पकड़कर उन्हें कठोर सजा दिला न्याय दे सरकार। जौनपुर तक ही ये सिलसिला थम जाता तो गनीमत थी। सीएम सिटी गोरखपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया जहां एक युवती को आपराधिक तत्व सरेआम कार में डालकर फरार हो गए, जिससे एक बार फिर प्रदेश सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी गोरखपुर में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही पुलिस। ये इकबाल है भाजपा सरकार का। बेलीपार थाना क्षेत्र के गांव में दिन दहाड़े स्कॉर्पियो सवार युवकों के द्वारा किशोरी का अपहरण स्तब्ध कर देने वाली घटना है। जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ कर न्याय दे सरकार। जिस तरीके से आपराधिक मामलों की बाढ़ उत्तर प्रदेश में आ रही है उससे प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था सवालों में आ रही है, लेकिन सरकार सिर्फ दावों के सहारे अपना काम चला रही है। ऐसे में सपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सत्ता नहीं संभल रही तो फिर प्रदेश सरकार के मुखिया को पद से इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं वो सरकार को मिले जनादेश का अपमान करते हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर इस तरीके के मामलों पर कब रोक लगेगी और कब अपराध खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।